हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रख्यात गणितज्ञ या कह ले द फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवास अयंकर रामानुजम के बारे में तो हम सब जानते हैं। इन्हें अंकों का जादूगर भी कहा जाता है। इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ यानी 22 दिसंबर को हर साल नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। इन पर एक ब्रिटिश बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म भी हॉलीवुड में बनी थी 2015 में। वो काफी अच्छी फिल्म थी, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। मैथमेटिक्स के फील्ड में इंडियन मैथमेटिशियंस ने काफी अच्छा काम किया है। दोस्तों, आज के वीडियो के थ्रू मैं आपको मैथमेटिक्स की जर्नी, इंडियन मैथमेटिशियन का मैथमेटिक्स में कितना अच्छा योगदान रहा है और अयंकर रामानुजम की थोड़ी बहुत इंस्पिरेशनल बातें आपको बताऊंगी, जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेंगी और काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्राचीन भारत में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, वाहमिहिर जैसे गणितज्ञों ने गणित के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है और काफी अच्छी ख्याति भी प्राप्त की है। जब चीन और मिश्र में गणित का विकास हो रहा था, उसी दौरान भारत में स्वतंत्र तरीके से गणित के क्षेत्र में कई खोजें की गई। वैदिक गणित ने भारतीय गणित की ख्याति को काफी बढ़ा दिया था। वैदिक काल में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन, वर्गमूल आदि गणितीय ऑपरेशन देखने को मिलते हैं। भारतीय गणितज्ञों ने नंबर सिस्टम में दशमलव का महत्व भी काफी पहले समझा लिया था और संभवतः तीसरी सदी से ही इसका इस्तेमाल होने लगा था। संख्या, शून्य, स्थानीय मान, अंक गणित, बीज गणित, कैलकुलस आदि का जो प्रारंभिक कार्य हुआ था वो भारत में ही हुआ था। पांचवी से बारहवीं सदी के काल को भारतीय गणित का स्वर्ण काल माना जाता है। शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ था और सातवीं सदी में ही ब्रह्मगुप्त और भास्कर प्रथम ने शून्य को उसकी सही गणितीय पहचान दी थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ग्वालियर के एक मंदिर में नौवीं सदी का एक ऐसा प्रतीक चिन्ह पाया गया था जो देखने में शून्य जैसा ही था। छठी शताब्दी में ही महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति आदि के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया था। उन्होंने पाई का चार अंकों तक बिल्कुल शुद्ध मान निकाला था। 12वीं सदी के गणितज्ञ भास्कर द्वितीय ने ज्ञात किया था कि किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर जो उसका रिजल्ट आता है वो अनंत आता है। हमारे मैथमेटिक्स के हीरो श्रीनिवास रामानुजम के बारे में तो हम सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, जो 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इडोला जिले में पैदा हुए थे। इन्होंने मैथ्स के फील्ड में बहुत अच्छा योगदान दिया था। रामानुजम ने गणित के 3900 से ज्यादा रिजल्ट और इक्वेशन संग्रहित किए थे। उनके नाम पर तमिलनाडु के अलप्पा यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर हायर मैथमेटिक्स स्थापित की गई। नंबर थ्योरी, इन्फिनिटी सीरीज, मैथमेटिकल एनालिसिस, फॉर्मूला, इक्वेशन आदि के फील्ड में रामानुजम ने काफी अच्छा काम किया था। रामानुजम के पिता श्रीनिवास अयंकर कपड़े की फैक्ट्री में क्लर्क थे। 1897 में रामानुजम ने स्कूल स्तर पर अपने जिले में अव्वल स्थान प्राप्त किया था। साल 1903 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की थी और उसी साल उन्होंने क्यूब और बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करने का सूत्र भी दिया था। 10वीं तक स्कूल में अच्छा परफॉर्म करने की वजह से उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली थी, लेकिन अगले ही साल वो स्कॉलरशिप उनसे वापस ले ली गई थी। इसका कारण गणित के अलावा उनका बाकी विषयों में अनदेखी करना था। बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत ही कम ध्यान दिया करते थे। वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। बिना डिग्री लिए ही उन्हें औपचारिक अध्ययन छोड़ना पड़ा था। 1911 में सम प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौलीज नंबर्स शीर्षक से रामानुजम का पहला रिसर्च पेपर जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। साल 1913 में तत्कालीन विख्यात गणितज्ञ
एवं ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो प्रोफेसर हार्डी को रामानुजम ने एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने 120 थ्योरम्स और सूत्र शामिल किए थे। प्रोफेसर हार्डी इस पत्र से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने रामानुजम को कैम्ब्रिज आने का न्योता दिया था। उनकी योग्यता को देखते हुए 28 फरवरी 1918 को रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना सदस्य भी बना लिया था। रामानुजन कैम्ब्रिज जाने से पहले 1930 से 1914 के बीच गणित की करीब 3,500 थ्योरम्स लिख चुके थे। उनके इन तमाम योगदानों को बाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो बॉम्बे में है उसने प्रकाशित किया था। रामानुजन की गणितीय प्रतिभा का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 26 अप्रैल 1920 को जब उनका निधन हो गया था उसके बाद आज तक उनके दिए गए कई थ्योरम्स ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं। भारतीय गणितज्ञों ने मैथ्स के फील्ड में काफी अच्छा काम किया है। अपनी हाई क्वालिटी थिंकिंग से नंबर थ्योरी फॉर्मूलाज इक्वेशंस थ्योरम बनाते हुए दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल दिया है। दोस्तों, मैथमेटिक्स डे से रिलेटेड अगर ये छोटी सी नॉलेज आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।